दोनों फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के स्ट्रगल में लगी हुई है। दोनों एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लो लीड रोल में दिखाई देते हैं। इन दोनों ही एक्टर्स की ये पहली फिल्म है और इसी फिल्म के जरिए इन दोनों ही एक्टर्स ने बॉलीवुड में डेब्यू शुरू किया। 8 करोड़ रुपए के स्मॉल बजट में ही बनाया गया, जिसे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 273 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था। दोनों फिल्म ने अपने शुरू 8 दिनों में केवल 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की ही कलेक्शन कर सकी। 9वें दिन लगभग 10 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर दिखाए। 10वें दिन फिल्म ने लगभग 15 लाख रुपए कमा डाला। इसके साथ 10 दिनों के टोटल इंडियन नेट कलेक्शन जो है लगभग 1 करोड़ 55 लाख की देखने को मिली, तो वहीं 10 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए तक की कलेक्शन कर चुकी है। 11वें दिन ये फिल्म लगभग 25 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म की 11 दिनों के टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है। वहीं 11 दिनों की दुनिया भर से वही कलेक्शन लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि अब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए और कितना कमाना होगा। तो आप देख सकते हो कि फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 12 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन करनी होगी। और फिल्म ने 11वें दिन की कलेक्शन के साथ समझिए तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन पार कर चुका, जिससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए और 10 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने होंगे। तो वहीं एवरेज होने के लिए फिल्म को लगभग 8 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने होंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या एवरेज हो पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।